कुछ अजीब चीजों को देखने के लिए आपको दुनिया के अंत या किसी विदेशी देश में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस रेडिट पर जाइए, देखें कि इसके यूजर्स ने अपने घरों में पाई जाने वाली अजीब और क्रेजी चीजों को कैसे साझा किया। ऐसा बहुत कम होता है जब घर में पाई गई सभी चीजों का कोई मूल्य हो, लेकिन ये शादीशुदा जोड़ा जैकपॉट जीतने में कामयाब रहा। क्लीवलैंड, अमेरिका में जब उन्होंने अपने घर की मरम्मत करना शुरू किया, जब आदमी तहखाने में सीलिंग से धूल भरे बोर्डों को फाड़ रहा था, उसने सलाखों के पीछे कुछ देखा। पाया कि वो हरे रंग का एक छोटा सूटकेस था। उसने दूसरे सूटकेस को तहखाने के दूसरे हिस्से में पाया। पहले तो पति पत्नी ने सोचा कि सूटकेस में कुछ पुराने फेस कार्ड हैं, लेकिन असल में उन्हें 33,000 पाउंड का खजाना मिला था। वे सभी बैंक नोट थे और उनमें से कुछ अत्यंत दुर्लभ थे। वे इस खोज से बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने इसे मनोरंजन पर खर्च नहीं किया। उन्होंने नकदी का इस्तेमाल अपने उधार को चुकाने के लिए किया। ये लोग और भी भाग्यशाली थे। उत्तरी यॉर्कशायर के एक छोटे से अंग्रेजी शहर के कई निवासी घर की मरम्मत कर रहे थे। उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी सोने के सिक्कों के सबसे बड़े संग्रहों में से एक की खोज की। इन घर वालों ने एक छोटे से मिट्टी के प्याले को नीचे कंक्रीट में छिपे हुए पाया, जो कि एक सोडा कोक के आकार का था। उसकी सतह नमक की एक पतली परत से ढकी हुई थी और अंदर लगभग 260 सोने के सिक्के थे। इस पूरे खजाने का अनुमानित मूल्य $2,00,000 था, लेकिन ये सब नीलामी पर निर्भर करता है, शायद राशि लगभग $500,000 तक पहुंच जाए। एक व्यक्ति अपनी माँ के नए मल्टी अपार्टमेंट बिल्डिंग में आया। वह तहखाने में गया और उसे वहाँ एक विशाल बैंक तिजोरी होने का पता लगा। बैंक की तिजोरी की ओर जाने वाला ये गोल मोटा धातु का दरवाजा था। उसे कोई पैसा या सोना नहीं मिला, लेकिन तिजोरी बहुत अच्छी स्थिति में थी। ऐसा कैसे हो गया? असल में जब कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, तो वह विशाल तिजोरी को छोड़कर अपना सारा सामान इमारत से ले जाता है। बेहद असामान्य अपार्टमेंट। कल्पना करें कि आप एक आवासीय पेरिस के पड़ोस से गुजर रहे हैं और एक बहुमंजिला इमारत में एंटर कर रहे हैं, जहां और भी आम लोग रहते हैं। आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और एक पुराने दरवाजे के पास रुक जाते हैं। आप हैंडल को नीचे दबाते हैं और अंदर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप भूतों वाली किसी डरावनी फिल्म में हैं। यहाँ पिछली शताब्दी की शुरुआत में बने सभी फर्नीचर और कैबिनेट की कुर्सियाँ हैं। पूरा कमरा एक पुराने एंटीक स्टोर जैसा दिखता है। सब कुछ धूल और मकड़ी के जाले की एक मोटी परत से ढका हुआ है। फर्श पर भयावह दिखने वाली गुड़िया और स्टफ खिलौने हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मालिक ने 40 के दशक में ये जगह छोड़ दी थी। उसने सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया जैसा वो था। वो कहीं और रहने चली गई और उसने अपार्टमेंट के बारे में किसी को नहीं बताया। वो वापस क्यों नहीं आई, इसका भी पता नहीं चल पाया है। अपार्टमेंट 70 साल से इस हालत में है। अपार्टमेंट की लागत का अनुमान लगाने के लिए मालिक के रिश्तेदारों ने मूल्यांककों को बुलाया। 2010 में वे उस स्थान पर गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो उन्हें 19वीं शताब्दी में इतालवी कलाकार गिवोनी बाल्डिनी द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग मिली। ये पेंटिंग $2.5 मिलियन में बिकी थी।